दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान सूर्य के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां रातों रात अपने आप ही यहां पर दरवाजे की दिशा बदल गई थी। हमारे आसपास कई ऐसे चमत्कारी मंदिर मौजूद हैं, जिनके रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है, जहां पर कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसे देखकर लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। इसी में एक नाम बिहार के औरंगाबाद में स्थित सूर्य मंदिर का आता है, जहां पर कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसे देखकर लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। हम जिस सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं, उसका निर्माण द्वापर युग में हुआ था, और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को किसी और ने नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इस मंदिर को देवार्ग सूर्य मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ पुराणों में भी इस मंदिर का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसके मुताबिक इस बात की पुष्टि झलकती है कि यह मंदिर द्वापर युग के मध्यकाल में बना था। देश के प्रसिद्ध जो तीन सूर्य मंदिर है, यह उनमें से एक माना जाता है। कोणार्क और लोलार्क सूर्य मंदिर के बाद इसकी खूब चर्चा होती है। अब अगर इस मंदिर की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें, तो ये भी बड़ा रोचक है। सूर्य देव के अलावा इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी, जो कि थोड़ी सी अद्भुत दिखती है। दरअसल इस मंदिर में भगवान शिव की जांघ पर माता पार्वती को विराजमान किया गया है। इस सूर्य मंदिर से जुड़ी एक बेहद ही रोचक और पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब देवार्ग सूर्य मंदिर को तोड़ने आया था, उस वक्त काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। फिर लोगों ने औरंगजेब से मंदिर न तोड़ने की बात कही, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था और कहा कि यदि देवता का ये मंदिर के मुख्य द्वार रात भर में पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, तो वह मंदिर को नहीं तोड़ेगा। और उस रात ऐसा ही चमत्कार हुआ। अगली सुबह हकीकत में ऐसा ही हुआ था। मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर हो गया। इसके बाद औरंगजेब भी इस मंदिर का कुछ नहीं कर पाया। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छाजी.com।